खबर शामिल करते हैं कराची से। सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से बीच लग्जरी होटल में पुमजे कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची और इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी कोरियर जनरल कौंसल यी सुंग हू ने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और प्रोग्राम को खुश आइंद करार दिया। इस्तेमाली तकरीब के मेहमान खुसूसी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कामयाब होने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं सबको वेलकम कहता हूँ ऑल कराची पुमजे चैंपियनशिप में कराची एक्सपो के अंदर, और ऑर्बिट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मॉल से, और उन्होंने सारों डिस्ट्रिक से हमारे पास माशाल्लाह पार्टिसिपेशन आई है, और इसके साथ पहली पोजिशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने ली है जो पहली, और दूसरी पोजिशन डिस्ट्रिक्ट हमारी सेंट्रल के पास गई है, और तीसरी पोजिशन हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पास। जी आज माशाल्लाह से हमारे सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन कोलेबोरेशन में ऑर्बिट के साथ ये हमने एक इवेंट आज पुमजे का ऑर्गेनाइज कराया यहाँ पर, जिसमें तकरीबन कोई 80-85 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह से, और तमाम डिस्ट्रिक्ट 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई अच्छा इवेंट कराएं माशाल्लाह से। आज बीच लग्जरी होटल में ऑर्बिट के साथ ताउन के साथ हमने जो है ये आज इवेंट कराया, और माशाल्लाह से लोग खियोरेगी में तो ऑब्वियस पार्टिसिपेशन होती है, सबकी बच्चे खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन पुमजे इवेंट थोड़ा सा स्लो इवेंट होता है, लेकिन क्योंकि इसमें अब पुमजे इवेंट हमने क्रिएटिव पुमजे जो फ्री स्टाइल पुमजे होता है, जो म्यूज़िक पुमजे होता है, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया, तो उससे थोड़ी सी बच्चों में बढ़ता रुझान और वो पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं। और अगले महीने हमारा एशियन चैम्पियनशिप होने जा रही है, जिसमें हमारे बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, और आज ये इस कराने का मकसद ये था प्रोग्राम का, जो हमारे बच्चे एशियन चैम्पियनशिप में जाएँ माशाल्लाह, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि यार हमारे बच्चे वहाँ जाएँगे और पार्टिसिपेट करेंगे, और पाकिस्तान का और अपना और अपने प्रोविंस का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज माशाल्लाह से हमारे सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन कोलेबोरेशन में ऑर्बिट के साथ ये हमने एक इवेंट आज पुमजे का ऑर्गेनाइज़ कराया यहाँ पर, जिसमें तकरीबन कोई 80-85 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह से, और तमाम डिस्ट्रिक्ट 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई अच्छा इवेंट कराएं माशाल्लाह से। आज बीच लग्जरी होटल में ऑर्बिट के साथ ताउन के साथ हमने जो है ये आज इवेंट कराया, और माशाल्लाह से लोग खियोरेगी में तो ऑब्वियस पार्टिसिपेशन होती है, सबकी बच्चे खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन पुमजे इवेंट थोड़ा सा स्लो इवेंट होता है, लेकिन क्योंकि इसमें अब पुमजे इवेंट हमने क्रिएटिव पुमजे जो फ्री स्टाइल पुमजे होता है, जो म्यूज़िक पुमजे होता है, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया, तो उससे थोड़ी सी बच्चों में बढ़ता रुझान और वो पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं। और अगले महीने हमारा एशियन चैम्पियनशिप होने जा रही है, जिसमें हमारे बच्चे यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे, और आज ये इस कराने का मकसद ये था प्रोग्राम का, जो हमारे बच्चे एशियन चैम्पियनशिप में जाएं माशाल्लाह, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि यार हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, और पाकिस्तान का और अपना और अपने प्रोविंस का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन शहजाद कादरी के साथ मोहम्मद रेहान, K92 न्यूज़, कराची।